इस वीडियो में हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कैसे हम रॉ मटेरियल को यूज करते हुए एक फाइनल आइटम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अनेबल करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शन, इन्वेंटरी को ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है अनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, इसको अनेबल करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब एक BOM क्रिएट करेंगे। BOM मीन्स बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर हम बताते हैं कि हम क्या आइटम क्रिएट करने वाले हैं और उस आइटम को क्रिएट करने के लिए हमारा क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा और कितना होगा। इसको क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर्स, यहाँ पर ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम बिल ऑफ मटेरियल को एक नेम देंगे। इसके बाद ऑप्शन है आइटम टू प्रोड्यूस, क्या आइटम हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी के लिए हम डिटेल एंटर करेंगे उसको हम यहाँ पर बताएंगे, यूनिट बताएंगे। इसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमको लगता है इस आइटम को प्रोड्यूस करने में वो हम यहाँ पर बता देंगे। डिफ़ॉल्ट मटेरियल सेंटर आप बताना चाहते हैं आइटम जनरेट के लिए और आइटम कंज्यूम के लिए, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे जो हम आइटम प्रोड्यूस करेंगे वो या तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा या हमारे प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस होगा, और जो आइटम कंज्यूम होने वाली है वो हमारे गोडाउन से आएगी, तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे। जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसकी डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर हम i3 प्रोसेसर CPU मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम एक प्रोडक्शन वाउचर एंटर करेंगे। वाउचर डेट डालेंगे, BOM को सेलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। कोई अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमको लगने वाला है इसको प्रोड्यूस करते वक्त तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे। एक्सपेंस हम पर पीस के हिसाब से बताएंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस अगर हम वहीं पर बताते तो ये उसको ऑटोमेटिक वहीं से पिक कर लेता। BOM और रॉ मटेरियल की डिटेल के हिसाब से आइटम प्रोड्यूस की डिटेल आ गई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आइटम जनरेटेड और आइटम कंज्यूम्ड के जो बैलेंस हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस एक्स्ट्रा एक्सपेंस डालने की वजह से आएगा। ऐसे हम अपनी आइटम जनरेट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग। यह ऑप्शन हमको प्रोडक्शन प्लानिंग करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर हम बताएंगे कि किस BOM को यूज़ कर हम आइटम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हम यहाँ पर बता देंगे। जो भी हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर हमको पता लग जाएगी। यहाँ पर हमको क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अवेलेबल और डेफिशिट रॉ मटेरियल की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर हम F4 की प्रेस कर डेफिसिट स्टॉक का परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है प्रोडक्शन वेरिएंस का। यह ऑप्शन हमको बताता है अगर हमारे कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल और जो हमने BOM के अंदर रॉ मटेरियल की डिटेल्स डिफाइन करी थी अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है तो इस ऑप्शन की मदद से हम वो डिफरेंस देख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें जैसे एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर शर्ट प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो हम BOM के अंदर मीटर ऑफ क्लोथ डिफाइन करेंगे उसी के हिसाब से सारी शर्ट क्रिएट हो जाएंगी, तो जो भी डिफरेंस होगा वह हमको प्रोडक्शन वेरिएंस रिपोर्ट के अंदर दिख जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल डिटेल्स।
यह ऑप्शन हमको BOM की कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करता है। इसके बाद यहीं पर एक ऑप्शन है प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन। यह ऑप्शन हमको बताता है कि जो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे वह आइटम कहां कहां यूज हुई है,